नमस्कार दोस्तों, किसान लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं न्यूलैंड 5620 CIDI की। तो भाइयों वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी CIDI ट्रैक्टर के बारे में मिलने वाली है और एक एक चीज़ हम आपको अच्छी डिटेल में बताएंगे। और इस ट्रैक्टर के जो इंजीनियर्स हैं, जो इसके ट्रैक्टर के अच्छी जानकारी रखने वाले हैं, उनकी उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। तो भाइयों ओवरऑल लोग कि हम यहाँ पहले मैं खुद कोशिश करता हूँ आपको बताने की, फिर आपके भाई से भी बात करवाएंगे। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं ट्रैक्टर के बारे में, पिछला हिस्सा सारा सेम है, पिछले हिस्से में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ फुट रेस्ट को ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया गया, फ्लैट नहीं हुआ लेकिन काफ़ी पहले से ऊपर उठा दिया गया है। और इसमें आपको मोड वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी जानकारी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है, तो आगे वीडियो बने रहिएगा। ये जो न्यूलैंड का 5620 CIDI इंजन है, ये BS4 इंजन है और 2025 तक जो है ट्रैक्टर जो PS6 इंजन आने शुरू हो जाएंगे और जिनके अंदर यूरिया इस्तेमाल होगा जो पोल्यूशन कम करने के लिए, जो ट्रकों में जैसे इस्तेमाल होता है यूरिया, तो इसी तरीके से ट्रैक्टरों के अंदर भी एक अलग से टैंकी लगा दी जाएगी जिससे यूरिया का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो भाई अब आते हैं मेन अपने पॉइंट पर। तो जैसा कि भाई सबको पता है कि इस ट्रैक्टर के अंदर तीन इंजन कह रहे हैं लोग कि तीन इंजन इसके अंदर हैं, तीन इंजन से कि तात्पर्य ये है कि इसका मतलब ये है कि आपको दिखाते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है वो जिसे तीन इंजन कह के लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे या सभी लोग जो बात कर रहे हैं। तो भाइयों आपको मैं दिखाऊं, ये जो तीन इंजन का जो राज है वो ये है, ये राज है सारा तीन इंजन का। ये स्विच लगी हुई है इसमें इको, इको प्लस और पावर। इको में 45 HP ट्रैक्टर निकालेगा, इको प्लस में 55 और पावर में गाड़ी निकालेगा 65 HP। अब जैसे कि इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए सपोज करिए एक तरफ से हम लोड लेके जा रहे हैं ट्रॉली के अंदर या किसी बड़े एग्रीमेंट के अंदर चला रहे हैं, तो हम उसको पावर के अंदर चला सकते हैं जो 65 HP हमें पावर देगा, उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा करेगा। और अगर हम एक तरफ से खाली ट्रॉली या खाली रोड पर ले जा रहे हैं तो उस पर लोड ज़्यादा नहीं है, तो हम उसमें इको में चला सकते हैं, उसमें क्या होगा फ्यूल कंजम्पशन भी कम करेगा, फ्यूल उसका खर्चा कम आएगा, उसमें किसान को बेनिफिट ये मिलेगा कि रोड पर उसका खर्चा कम दिखाई देगा उसको। और अगर उसके मीडियम है, लोड कम है, जो भाई अगर ज़्यादा हैवी ट्रॉली नहीं है, ज़्यादा हैवी लोड नहीं है, तो हम उसको मीडियम है तो इको प्लस पे 55 HP भी हम चला सकते हैं। तो इससे इस चीज़ से बेनिफिट क्या होगा किसान को, इससे बेनिफिट ये होगा कि जिस हिसाब से हमारा लोड होगा हमारा उसी हिसाब से हमारा ट्रैक्टर ये वर्क करेगा। ये नहीं है कि बड़ी पावर है कि और खाली में भी उतना ही, और जैसे बहुत लोग शिकायत करते थे कि ज़्यादा पावर होने की वजह से ट्रैक्टर जो रोड फ्यूल एफिशिएंसी कम दिखाता है, तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट किसान को मिलेगा। खेत के अंदर भी अगर मान लीजिए कि हल्का काम कर रहे हैं, जैसे मैड़ा मार रहे हैं या कोई डोल निकाल रहे हैं या कुछ छोटे एप्लीमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये मोड बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक किसान के लिए निकल के आएगा और बहुत ही ज़्यादा होगा। तीन इंजन जो यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा तीन इंजन के बारे में, वो तीन इंजन सिर्फ यही हैं कि अगर हम यहाँ से इको पे करते हैं तो वही मोड यहाँ पर हमें इको दिखाएगा, और मैं यहाँ से इको प्लस में करता हूँ तो ये इको प्लस में दिखा रहा है मीटर के अंदर, और यहाँ से मैं पावर करता हूँ तो यहाँ पर भी पावर दिखा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि मीटर के अंदर भी आपको पूरी चीज़ दिखा रहा है, पावर और इको प्लस सब चीज़। यहाँ पर तो लाइट चल ही रही है और यहाँ पर भी इको दिखा रहा है, जैसे ये हमने इको प्लस कर दिया और यहाँ पर भी इको प्लस आ गया, और अगर हम यहाँ से करते हैं पावर में तो यहाँ भी पावर मोड में आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको मीटर के अंदर भी आपको ये चीज़ शो देती है। और रही बात मीटर की, तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन मीटर का जो है इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया CNH के इसमें मीटर लगे हुए हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ही बढ़िया सोच समझ कर, बहुत ही अच्छी चीज़ें जो कंपनी ने कस्टमर के लिए डिज़ाइन की हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल जो है सीट है, और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी जगह पर इसके अंदर सारी चीज़ दी गई हैं, क्योंकि पिछले साल सारा वही सेम ही है और जो चेंजेस हैं वो सारे सिर्फ इंजन के आगे गई हैं। तो भाइयों ट्रैक्टर के इंट्रोड्यूस तो हमने आपसे करवा दिया है, अब ट्रैक्टर की आपको पूरी फुल डिटेल जानकारी भाई जो इंजीनियर हैं ट्रैक्टर के, जो इसके बारे में जानकारी ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं, तो आपको भाई से मिलवाते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार भैया जी, अपना नाम बताएंगे, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। मेरा नाम विजेंद्र है सर। अच्छा जी, पार्टी लैंड कंपनी न्यू लैंड करनाल से। ठीक है जी। तो जी भैया जी, जो ट्रैक्टर आया हमारा लॉन्च हुआ है, इसमें आपकी इंजन की और सारे AC जिसमें मोड है सब चीज़ की आप हमें जानकारी दीजिए अपने आप जी।
ऐसा जी CRDI इंजन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। अच्छा जी, जो अपने पुराने से सारा ये अलग है जी। बिल्कुल जी, पुराने जी। इंजन से सब कुछ अलग है इसमें जी। ये तेल ये कंजप्शन कम करने के लिए जी, जिम्मेदार की रिक्वायरमेंट ए हिसाब से जितना मतलब जैसे तेल ज्यादा खाता था जी जी जी, तो अब कम काम में कम तेल खाएगा, ज्यादा में ज्यादा, मीडियम में मीडियम, बिल्कुल उसके हिसाब से मोड सिस्टम जो दिया गया है। हाँ जी ठीक है जी। तो इसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन का और डीजल का ख्याल रखते हुए। अच्छा जी, पावर उससे पहले से ज्यादा पावर है, पीटीओ पावर भी इसकी पूरी पूरी है। अच्छा जी, 1 पॉइंट कम है। ठीक है, तो 64 HP की पीटीओ। भाई एक किसान भाई को आपको सबसे बड़ी खासियत बताऊं, 65 HP कैटेगरी के किसी भी ट्रैक्टर में 64 HP की पीटीओ अभी तक किसी भी ट्रैक्टर कंपनी ने अभी तक लॉन्च नहीं की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत ही अच्छी खासियत स्पेशलिटी इस ट्रैक्टर के अंदर न्यूलैंड ने दी है कि 65 HP ट्रैक्टर के अंदर 64 HP की पीटीओ पावर दी है। तो भाई हमें इस चीज़ की जो ट्रैक्टर के में डिटेल्स आप उसके बारे में बताइए भैया ज़रा, इसमें क्या क्या चीज़ कंपनी ने दी है, आप टापा खोल के देखते हैं हम अभी। तो इसमें क्या क्या दिया है भाई, पहले के मुकाबले सर इसका सभी सारा इंजन चेंज है जी। अच्छा जी, CRDI डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है जी। ओके जी, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। ठीक है जी, ठीक है जी। ये मतलब जो अपना ये DOC वगैरह है इसके ऊपर। अच्छा जी, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ये पोल्यूशन कंट्रोल करता है। ठीक है जी, इसमें सारी चीज मतलब आप अपना काम करेंगे पोल्यूशन कंट्रोल करती है जैसे द्वारा। बिल्कुल 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 ठीक है जी। तो ये इसकी टर्बो हो गई जी, ये टर्बो हो गई। ठीक है जी, हो गया ये बाकी अपना इसका हेड का हो गया। इसमें टैप एडजस्टिंग का कोई काम नहीं है। अच्छा जी, टैप एडजस्टिंग का कोई काम नहीं है, जो डायरेक्ट है वो सारा सही अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है सारा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल है। ठीक ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। और उसमें और क्या क्या चीज है जी? और इसमें पहले दिक्कत थी बहुत नीचे। हाँ जी, नीचे तो काफी काफी बैठने में बहुत दिक्कत आती थी। अब बहुत अच्छा कर दिया है यहाँ पर प्लेटफॉर्म जी, इसका मैट वगैरह इसमें दे रखे हैं, ये फुटस्टेप बहुत बढ़िया दे दिया, तीन डबल उसका दे दिया। ठीक है जी, और इसमें ये भी बड़ा कर दिया ना, ऑयल फिल्टर, ये हाइड्रोलिक फिल्टर बड़ा कर दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल हाइड्रोलिक, ये कर दिया हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग जो पावर स्टीयरिंग बिल्कुल जो पंप है ये इकट्ठे एक लाइन में कर दिए हैं जैसे फार्म ट्रैक पे आते थे। ठीक है जी, इसमें जो स्टेयरिंग है जो सिंगल एक्टिंग स्टेयरिंग है आप देख सकते हैं, और इसमें जो पहले के गियर सॉरी पहले हिस्से के से अब जो अलग हिस्सा दिया है बना के थोड़ा सा चेंजेस इसमें किए हैं, और जो अगला हिस्सा जो काफ़ी हैवी कर दिया गया, और 6, 50, 20 जो इसमें जो अगले टायर हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर। बारे में जी, रियल व्हील टायर थी ये तो वही है 16 और 30। हाँ जी, तकरीबन उससे पहले से बहुत अच्छा है। हाँ जी, अब ये फुट थ्रोटल इलेक्ट्रिक है, ये भी इलेक्ट्रिक है, मैनुअल नहीं है भैया, आप देख सकते हैं ये मैनुअल नहीं है, इलेक्ट्रिकल फुट थ्रोटल है जो है। फ्यूल सेंसर है ये देख सकते हैं, फ्यूल और वाटर वाटर सेंसर इसके अंदर ये है, वाटर एंड फ्यूल सेंसर है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है। अच्छा, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी है इसके अंदर। ठीक है जी, फीड पंप यहाँ पर दिया हुआ है फिल्टर के ऊपर। अच्छा जी, जिसे प्राइमरी पंप भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो अब आप इसमें आप और बता रहे थे, और क्या क्या चीज़ दी है आगे, कूलिंग सिस्टम में क्या क्या दिया है इसमें अंदर? कूलिंग सिस्टम में जी इसमें देखो इंटरकूलर दे रखा है। अच्छा, इंटरकूलर दे रखा है, इंटरकूलर दे रखा है जी, फ्यूल कूलर दे रखा है जी इसमें, फ्यूल ऑयल कूलर है जी। अच्छा जी, ट्रांसमिशन ऑयल कूलर है जी इसमें, ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन ऑयल जो कूलर है ये, और ये फ्यूल को कूलर है ये सामने, डीजल को ठंडा करने के लिए है, और पीछे इंटरकूलर हो गया, पीछे इंटरकूलर हो गया। तो इसमें तो जी आप भाई ये देखो, इसमें ECU है ये, और ये ग्लो प्लग सेंसर है ये, तो इसमें आगे काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन भी दिए गए, यहाँ पर बहुत ही कम पानी जाने की संभावना जो होती है आप देख सकते हैं। डीजल टैंक की 67 लीटर 67 लीटर का जो डीजल टैंक बढ़ा दिया इसका। ठीक है, तो भाई एक चीज़ आपको दिखाऊं, उसमें जो जो हीट शील्ड का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं इधर से रबड़ लगा के बिल्कुल सील किया गया है, ताकि जो इंजन की गर्म हवा है जो टैंक तक ज़्यादा से कम पहुँचे, जिससे कि फ्यूल के जो टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल टेम्परेचर बढ़ने से, ज़्यादा गर्म होने से तेल जो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर तेल नॉर्मल ठंडा रहेगा तो उससे ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल की बहुत ही अच्छी तरीके से फूकेगा भी, और बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर इंजेक्ट होगा। और एक भाई वो CRDI होने की वजह से इसकी साउंड बहुत अच्छी, बहुत ही कम आ गई है, हो गई है पहले के मुकाबले।
तो भाई आपको एक चीज और दिखाऊं, पहले से मुकाबले जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा बढ़िया मुकाबला है। अब अगर आपको दिखाऊं भाई, आप खड़ा ना जरा यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्लियरेंस है। भाई की हाइट काफी अच्छी है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 फुट के आसपास मैं मान लू के नीचे क्लियरेंस है, 3 से ज्यादा ही होगा, 3 के आसपास इसमें क्लियरेंस है। तो भाई जो पीछे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो पिछला जो हिस्सा है वो पिछले हिस्से बिल्कुल सेम है पहले की तरह ही, अगर उसमें कुछ चेंज है, थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए, जैसे ये हमारा ये जो हमारा फुट रेस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर उठाया है, थोड़ा सा अभी जैसे कस्टमर फ्लैट फुट रेस्ट की डिमांड करते हैं उसमें भी हो सकता है कि जल्दी बहुत इसमें जब इसके गियर बॉक्स के अकॉर्डिंग, इसकी ट्रैक्टर की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से इसको जो अपना फुट रेस्ट है ये फ्लैट कर दिया जाएगा, और लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। तो भाई और ऊपर का जो आपको हिस्सा दिखाऊं मैं, ऊपर का तो लगभग वही सेम सारा पहले जैसा ही है, कोई हाई लो मीडियम में ट्रैक्टर है ये, ये अपनी जो लिफ्ट, ये लिफ्ट हैंडल हो गए, जैसे ऑब्जरी वाल के हैंडल हो गया जो कंट्रोलर है, और ये 12+3 के इसमें गियर हैं, ये इंडिपेंडेंट पी टी ओ क्लच हो गया अपना, ये पी टी ओ की स्पीड क्लच हो गई, गेयर हो गया। तो भाई जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो पीछे का जो इसका हिस्सा है, जो उसका पीछे की जो हाइड्रोलिक है, जो पीछे का हिस्सा है तो ट्रैक्टर से पीछे का, वो सारा पहले का ही जैसा ही सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें क्या है, थोड़ी सी बहुत मॉडिफिकेशन जो अंदर की तरफ की गई है, और सबसे बड़ी खासियत मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 65 HP ट्रैक्टर में 64 HP की पावर की PTO दी गई है, जो अब तक किसी भी ट्रैक्टर ने इतनी दमदार PTO कि सिर्फ एक पावर की ड्रॉपेज के अंदर किसी भी ट्रैक्टर में अब तक नहीं दे पाई है कोई भी कंपनी, ये सबसे बड़ी खासियत बताऊं। और इसमें हब रिडक्शन के साथ ये ट्रैक्टर आता है, जैसे पावर जैसे पहले आता था सेम सब कुछ वही है, और इसके अंदर सिर्फ चेंजेस जो हैं ट्रैक्टर के आगे हैं, इसमें आपको दिखा दूँ इलेक्ट्रिक फुट रेस है, और इसमें आगे सेंसर्स हैं। तो और आपको मैं चीज़ बताऊं कि इसमें पोल्यूशन और इसमें साउंड पोल्यूशन दोनों बहुत ही ज़्यादा कम है, और ओवरऑल ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। तो ये जो ट्रैक्टर का इंजन है ये टर्की से ही इन्होंने इंपोर्ट करते हैं, ये न्यूलैंड ने खुद डिज़ाइन खुद ही बनाया है, ये आप इसकी प्लेट देख सकते हैं। तो और एक प्लेट इसकी ये रही, ये टर्की ट्रैक्टर्स कंपनी के यहाँ से बन के आया है, टर्की से ही खुद न्यूलैंड ने अपना ट्रैक्टर पूरा जो CID के हिसाब से ट्रैक्टर डिज़ाइन किया है। तो भाइयों ये वीडियो में आपको ट्रैक्टर का पूरा ओवरऑल लुक हमने बताने की कोशिश की है, और भाइयों को और किस इसके बारे में क्या क्या जानकारी आगे और चाहिए, या कुछ कम लगी हो जानकारी, या कुछ हमसे वो गलती हो गई हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हो सकता है पॉसिबली हम कोशिश ये करेंगे जल्दी से जल्दी आपको CIDI 5620 की आपको जो है जल्दी से जल्दी आपके परफॉर्मेंस की वीडियो भी आपके सामने पेश करें। और भाइयों तो भाई इसकी अब हम आपको सेल्फ लगा के दिखाएंगे, आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे, क्योंकि ये पहले से काफ़ी साइलेंट है, क्योंकि CIDI में हो गया, और काफ़ी इसमें चेंजेस हैं इसके साइलेंसर के अंदर और इसके इंजन के अंदर काफ़ी चेंजेस हैं, तो आपको सेल्फ लगा के इसकी साउंड सुनाएंगे। और भाई वाइब्रेशन फ्री इसका जो इंजन है, इसके ऊपर अभी हम आपको डेमो दिखाएंगे, थोड़ा सा एक डिस्पोजल पानी का गिलास भर के रखेंगे, और बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री इसका जो इंजन कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं, आप पहले तो आवाज़ सुनिए कितनी बेहतरीन है, और आप इसमें आप वाइब्रेशन देख सकते हैं ग्लास के अंदर, देख देंगे थोड़ी देर भाई। तो जैसा कि भाई आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री ट्रैक्टर का इंजन है, और अभी जैसे स्टार्ट करते वक्त और बंद करते वक्त और रेस देते वक्त किसी भी प्रकार से पानी नहीं छलका, आपको दिखा दूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई चिपकन वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ गिलास है आप देख सकते हैं।
तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इंजन तैयार किया गया है और बहुत ही बढ़िया जो किसान के लिए ट्रैक्टर ये होने वाला है। इसमें किसान जैसे जो डरते थे ना कि बड़ा ट्रैक्टर होगा फ्यूल ज़्यादा लेगा, ये अकॉर्डिंग टू वर्क ही ट्रैक्टर फ्यूल लेगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ न्यू होलैंड ने ट्रैक्टर निकाला है। मैं नहीं मानता कि इसकी टक्कर में या इसके जैसा कोई इस कैटेगरी का कोई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ कोई ट्रैक्टर कंपनी के अंदर आ रहा होगा। तो जो आ रहा है तो भाइयों हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम उसकी भी रिव्यू वीडियो लेंगे। और किसान लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे की जानकारी वीडियो में मिलती रहेंगी आपको, आगे वीडियोस और आती रहेंगी। तो इसको सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन का बटन दबाते रहें और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आगे ट्रैक्टरों की मिलेगी आपको, न्यू होलैंड महिंद्रा और ट्रैक EPI और आपको कई चीज़ों की वीडियो आगे आती रहेंगी। धन्यवाद।